देखो इस शख्स दी दरियादिली, जिस फाइव स्टार होटल च रखिया अपनी धी दा व्याह, उसी होटल च कीता पहला तीन गरीब कुड़ियां दा व्याह। अज हर पासे हो रही है इस शख्स दी चर्चा। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਸੀ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਜੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹਮਨੇ ਸਗਾਈ ਕੀ ਤਭੀ ਹਮਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਮ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਹਟਕੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਮੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਉਨਸੇ ਹਮਨੇ ਚਾਰ ਜੋੜੇ ਮਾਂਗੇ, चारों जोड़े मेरी विधानसभा से बाहर के हैं, तो यानी कोई मेरा लालच भी नहीं है कि वोट का लालच, इसलिए मैं लालच से कर रहा हूँ। मेरा एक ही लालच है कि जैसी मेरी बेटी की शादी वैसी जो चार बेटियाँ आई हैं इनकी शादी, एक जोड़ा आ नहीं पाया, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो उनका दान दहेज हम सब दे चुके हैं, वो उनकी 13वीं के बाद हो जाएगा। तीन बेटी आई है, आप देख रहे हैं उसी होटल में शादी है, उसी स्टेज पर शादी है जहाँ मेरी बेटी के, कोई फर्क नहीं किसी भी तरीके का, जैसा मेरी बेटी का ऐसा ही इन बेटी। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से, क्या लड़के भी आप नहीं पसंद करवाए थे कुछ, क्या क्या? ये जो मैंने बीच में जिक्र किया, लॉयंस क्लब ने जोड़े बना के दिए हैं, क्योंकि वो पूरा फॉर्मेलिटीज पूरी करके रखते हैं वो, उनके पास सारा इनका एफिडेविट, कोई नाबालिग ना हो, कई बार लोग थोड़ा सा दोबारा पैसे के लालच में कर भी लेते हैं, तो उन पर छोड़ दिया मैंने कि जी आप मेरे को दें जोड़े करके। और तीनों लड़के जो आ जाइए, तीनों पलवल साइड की हैं, और लड़का शायद एक झज्जर का है, कहाँ का, मैं तो फिर ये जोड़े मांगे जी, मैंने नहीं पूछा कहाँ के कहाँ नहीं, मैं तो बेटी है मेरे देश की बेटी है, मैं तो इस खुशी में मैं शादी कर रहा हूँ। उपहार के तौर पर क्या कुछ इन तीनों बेटियों को दिया जाए? उपहार के तौर पे जी जो जैसे वो देते हैं सेम, मैंने वही सारा सामान, इनको बेड है, अलमारी है, घड़ी है, इनका अपना जो मंगलसूत्र है, LED है, जो हमसे बन सका वो 30-32 आइटम है, वो सारे हमने दिए, जितना हमसे बन सका हमने दिया। आप अपनी बेटी के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आप और भी तरीके स्पेशल बना सकते हैं, इस तरह स्पेशल बनाने का किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं? एक संदेश जाना चाहिए समाज में ना, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा, देखो हमारे पास सब मेहनत का है, ये तो सबका ही मेहनत का होगा, लेकिन भाई गुड़गांव के आसपास बहुत पैसा है लोगों के पास, उतना भी नहीं, लेकिन भगवान ने दिल दिया, पेरेंट्स जो हमारे देश के लिए करते आए तो हमारा भी मन था कुछ करें, तो उसमें हमें तो यही लगा कि भाई बेटी से बड़ा कोई ये पुण्य का काम नहीं है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो मेरे पूरा परिवार, मेरे चाचा ताऊ, मेरे पिता माँ सबकी सोच ये रही, वेदी परिवार तो आप वैसे ही थोड़ा जानते हैं, सामाजिक सोशल हमेशा रहता है, तो हमारा मन था कि हम ऐसा कुछ करें जो एक संदेश जाए। और गुड़गांव में खास तौर पर मैं अपील करूंगा लोगों से और सबसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चुटकी भर भी नहीं लगता, अगर वो अपनी बेटी की शादी में से थोड़ा कर दे, एक बेटी का कर दे, जरूरी नहीं कि हमें तेरे चार चार दस दस बेटियों का करें, कर दे एक का भी करे तो उससे बड़ा कोई दान नहीं, आप लाखों करोड़ ले रहे हैं थोड़ा सा उसमें खर्च कर दे। जी साहब, एक चीज है दिल्ली NCR में आज के समय में होड़ लगी हुई है बेटियों की शादी करने की, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, हाथ मोटे मोटे भरे जाते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं आता कि जो मंडप सजा हुआ है जिसमें पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें दो चार बेटी जो जरूरतमंद बेटी है उनको भी दिया जाए। तो सोच का भी फर्क होता है, हमारी तो सोच शुरू से ऐसी रही है, और रही बात मैंने कहा दहेज, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, जो परिवार कर्जा लेके शादी करता है, जिसका पिता कर्जे में दब जाए, मैं उस दहेज के खिलाफ हूँ, बाकी कोई करोड़ों दे अरबों दे मैं बड़ा खुश हूँ,
बेटी को जितना दान दे उतना कम होता है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं बेटी को जितना दोगे उससे ज्यादा वापस मिलेगा। मेरे पास भी 100 करोड़ होते मैं 100 दे देता, 200 भगवान दे देता मेरे। आपकी बेटी की शादी और एक लड़की के लिए शादी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, तो उसने उसके क्या विचार रहे कि आपने बताया कि मैं 3-4 बेटियों की और शादी करूंगा, आपकी शादी क्या कुछ बताया? मेरी बेटी बड़ी खुश है, उन्होंने खुद जब मैंने घर में सलाह करी तो तुरंत मेरी बेटी ने कहा पापा अच्छी बात है। और मेरी बेटी बड़ी जैसे हम हैं तो सिंपल से है, उसका ज़्यादा शौक नहीं है कोई दान दहेज का कुछ ऐसा कि मेरे को दो या ना दो। उन्होंने कहा जो उनके पे आप लगाना चाहो लगाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी खुश है, परिवार पूरा संतुष्ट, आज पूरा परिवार खुश है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मैं राजनीति में हूँ, लेकिन पहला ऐसा आपने देखा होगा कि नेता हो गए जिसने नेता को नहीं बुलाया। मैंने किसी नेता को गुड़गांव से बाहर कार्ड नहीं दिया, क्योंकि नेताओं की सोच मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर नेताओं ने अरबों खरबों खाया, देश को लूटा, लेकिन वो ऐसा पुण्य का काम करे तो कोई भी लड़की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे जैसे को शादी कराने। सब जो खाना मेरा दामाद खाएगा, जो खाना मेरे रिश्तेदार खाएंगे, मेरी बेटी खाएगी, वही खाना इन बेटियों के लिए है। वही पूरा हॉल जिसमें जिस स्टेज पे बैठी है यहीं मेरी बेटी बैठेगी, यहीं मेरी बेटी का जो होगा यहाँ पे सब, कोई फिर कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं, उसी पंडाल में सब कुछ उसी में गया है, कोई फर्क नहीं।